Ashes 2021-22, Shane Warne gets mocked for mischarging. किस बात को लेकर Shane Warne को mock किया जा रहा है? I'll let you know, just stay with me. Ashes 2021-22, Ricky Ponting predicts series scoreline. क्या predict किया उन्होंने? मैं बताऊंगा ना. And according to Danny Morrison, who is the most overrated cricketer? कौन है वो? थोड़ी देर रुको. तो गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू क्रिक ट्रैकर. आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे. विराट कोहली की तरह अपना 120% दे रहे होंगे, केन विलियमसन की तरह खुश होंगे और अजाज पटेल की तरह दिल में जज्बा होगा कुछ कर दिखाने का. बस यही सब कुछ तो चाहिए. नहीं नहीं नहीं, क्रिकेट के अपडेट्स भी तो चाहिए. अरे वो तो हम लेकर आते हैं ना न्यूज़ ट्रैकर पर रोज आपके लिए. तो इसी बात पर सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया चैनल को. एंड गाइस, अगर ये वीडियो आगे जाके पसंद आए ना तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट. और अगर ना भी पसंद आए तो प्लीज सजेशन देना. तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. गाइज, वी ऑल नो कि एशेज का पहला टेस्ट मैच स्टार्ट हो चुका है. ब्रिस्बेन में खेला जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड. तो मैच से पहले लेजेंडरी ऑस्ट्रेलियन स्पिनर शेन वॉर्न ने कहा था कि पिच में कोई स्विंग नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन पेसर्स ने क्या शानदार स्विंग दिखाई आज के मैच में. तो उसके बाद से वॉर्न को इतना ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि बस पूछो ना. ऑस्ट्रेलिया बोल्ड आउट इंग्लैंड फॉर 147 इन द फर्स्ट इनिंग्स एंड एवरीवन विटनेस्ड प्लेंटी ऑफ स्विंग. Earlier, Shane Warne, the all-time second highest wicket taker in Test, said, "I don't think there's any swingers there. There's no swing." From there on, the netizens on Twitter poked fun and trolled him for not being able to judge the playing conditions properly, despite being a veteran. So, guys, what do you think? कि बड़े-बड़े शहर में ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ होती रहती हैं, बड़े-बड़े players से भी ऐसी गलतियाँ होती रहती हैं, या कोई मतलब या ये mock करने वाली बात है actual में? मुझे नहीं पता, आप बताओ. डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन स्किपर रिकी पॉन्टिंग हैज प्रेडिक्टेड एशेज सीरीज स्कोर लाइन ऑन द ईव ऑफ द फर्स्ट टेस्ट मैच इन ब्रिस्बेन. ही रेकन्ड दैट ऑस्ट्रेलिया विल ट्रम्प इंग्लैंड 3-1 व्हाइल गिविंग देम एज फॉर द एडिलेड टेस्ट. पॉन्टिंग सेड, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया विल विन बिकॉज इंग्लैंड आर गोइंग टू स्ट्रगल टू टेक 20 विकेट्स. विद द काइंड ऑफ बॉलर्स दे हैव, दे डू नॉट हैव अ रियल क्वालिटी स्पिनर इन देयर लाइनअप फॉर दीज कंडीशंस. ही एडेड, देयर आर पोटेंशियली सम स्कार्स फ्रॉम आवर समर टू. द ऑसेस विल हैव टू गेट ओवर विद दैट. Put it behind them. If they take England lightly or take anything for granted, then it can potentially be closer than what everyone is saying. So guys, what do you think? क्या आपको लगता है Ponting सही कह रहे हैं? क्या ऐसा होगा 3-1 से England हारेगा और Australia जीतेगा? आपको क्या लगता है? Do let us know in the comment section below. Karan Pollard is regarded as one of the most destructive batters in the shortest format of the game. However, it seems former New Zealand pacer Danny Morrison isn't a fan of West Indies all-rounder. Morrison said that the West Indies all-rounder is an overrated cricketer of the present generation. According to Morrison, India's Surya Kumar Yadav and Ishan Kishan are the most underrated cricketers. He also stated that Royal Challengers Bengaluru is his favorite IPL team. So guys, what do you think? Do you guys agree with Danny Morrison? Do let us know in the comment section below. तो गाइस, मैं चलता हूँ, इतने में इतना ही मिलेगा. अब मैंने आपको कितने सारे अपडेट्स दिए ना. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट. जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, नहीं भी आई तो कमेंट में जाके सजेशन देना, क्योंकि आप लोग हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो. और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मैं चलता हूँ. अरे नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं. आप टेलीग्राम चैनल पर होकर आए, मतलब आप जाओ वहां पर, भर भर के क्रिकेट की अपडेट्स हैं. अब एक बार घूम कर आओ, जाओ एक बार विजिट करो. अरे यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड, जाओ. चलो मैं चलता हूँ, आप नहीं, आप वहां जाओ. ठीक है, टेक केयर, हैव अ नाइस डे. मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में. बाय बाय.